नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? तो बच्चों, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा चल रहा था नाम, एक या अनेक। कोई भी नाम हो वो एक होगा या अनेक होगा। एक और अनेक से किस चीज का बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सभी चीजें एक या एक से ज्यादा होती है, और जैसे ही एक से ज्यादा होती है तो उनके नाम में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। वस्तुएं, कोई भी वस्तु हुई, एक या अनेक होने से उसके वचन का पता चलता है। एक या अनेक होने से उसके वचन का पता चलता है। जब एक है तो एक वचन और अनेक है तो बहुवचन। तो वस्तुओं के एक या अनेक होने से उसके वचन का पता चलता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपसे पूछा जाए वचन के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी आपकी क्लास छोटी है, जब आपको ये चीजें एक और अनेक से संबोधित की जा रही है, जैसे ही क्लास थर्ड में आप आओगे तो आपको क्या क्या करा जाएगा? एक और अनेक से पाठ को ना बताते हुए आपको आपका पाठ का नाम आएगा वचन। तो हम उसमें भी एक वचन और बहुवचन ही पढ़ेंगे, और ये है अभी एक और अनेक के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कितनी सारी पिक्चरों के द्वारा एक और अनेक के बारे में बताया है। देखिए, पहला है हमारा गेंद। बहुवचन आते ही हो गए गेंदे। गेंद एक चीज का, और गेंदे एक से अधिक वस्तुओं के बारे में। तो गेंद गेंदे, जैसे ही गेंद एक से अनेक नाम गेंदे हुई तो नाम के नाम में बदलाव आ गया। चिड़िया चिड़िया, एक चिड़िया दो चिड़िया। पेंसिल पेंसिलें, पेंसिल यानी एक पेंसिल और पेंसिलें एक से अधिक पेंसिल। तितली एक तितली, अनेक तितलियां एक से ज्यादा तितलियां। बच्चा एक बच्चा है आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब बच्चे आपके सामने चार चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बच्चा बच्चे, ठीक है। तो हमने पढ़ा गेंद गेंदे, चिड़िया चिड़िया, पेंसिल पेंसिलें, तितली तितलियां और बच्चा बच्चे। आगे और भी हमारे पास देखो बच्चन की पिक्चर है। केला केले, केला एक केला दिखाई दे रहा है आपको, केला, और ये अनेक केले एक से अधिक है, नाम में भी बदलाव आ गया। यहाँ पे एक चीज का ज्ञान हो रहा है, यहाँ एक से अधिक अनेक का। कलम, जिसको आप कहते हो पेन, ये क्या कहते हो? पेन, कलम। और एक से ज्यादा कलम, कलमे, क्या हो गई? कलमे, नाम में बदलाव हो गया। कलम कलम लेके आओ तो आप एक, और मैं कहूँ कलमे लेके आओ तो आप एक से अधिक, जहां कलम रखी होंगी उनको उठाकर लाओगे। डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, एक ही डिब्बा है, डिब्बे आपको दो दो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही एक वचन से वस्तु बहुवचन में जाएगी वो अनेक हो जाएगी, नाम में बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गेंद गेंदे, चिड़िया चिड़िया, पेंसिल पेंसिलें, तितली तितलियां, बच्चा बच्चे, केला केले, कलम कलमे, डिब्बा डिब्बे। कितनी सारी वस्तुओं के बारे में हमने एक से अनेक के बारे में पढ़ा। एक एक वचन और अनेक बहुवचन, बहु यानी ज्यादा, बहुवचन, ठीक है। तो हमने यहाँ कितनी सारी पिक्चरों के द्वारा एक चीज और एक से अधिक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसी प्रकार आप और भी इसके द्वारा और भी होती है चीजों के बारे में पढ़ोगे, आपकी किताबों में और भी नाम दिए गए हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करोगे, देखोगे कि एक में एक चीज है और एक अनेक में एक से अधिक चीजें हैं। इनका अभ्यास करोगे बार बार, इनको समझोगे और आप वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। तो हमने यहाँ पे एक और अनेक के बारे में पढ़ा, और भी हमारे पास इसके बारे में नए नए शब्द हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में